शुक्रवार से शुरू हुए राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको भी दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट में। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आगाज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ। आगाज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया शुभारंभ, दीप प्रज्वलन कर महोत्सव का किया शुभारंभ। साइंस कॉलेज मैदान में 3 दिवसीय नृत्य महोत्सव। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आदिवासी कला और संस्कृति के रंग में सजे राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आगाज हो चुका है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माड़िया गौड़ सींग पहनाकर राहुल गांधी का स्वागत किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज प्रतिशत जो आदिवासी भाई बहन रहते हैं उनके तरफ से भी मैं राहुल जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय साथियों, हमारे छत्तीसगढ़ जहां 32% आदिवासी निवास करते हैं, उनके अपने अपने संस्कृति है, परंपरा है, नृत्य शैली है और उसी प्रकार से पूरे देश में विभिन्न विभागों में हमारे आदिवासी निवास करते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना सबको लिए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नहीं चलाया जा सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि भाई से भाई को लड़ाकर देश को फायदा नहीं हो सकता है, सबको साथ लेकर ही चलना होगा। देश की हालत, किसानों की समस्या, आत्महत्या, अर्थव्यवस्था के हालात, बेरोजगारी की हालत आप जानते हो, दोहराने की जरूरत नहीं है। देश की हालत आप जानते हैं, बाकी प्रदेशों में क्या हो रहा है आप सबको मालूम है। किसानों की समस्या, आत्महत्या, अर्थव्यवस्था की हालत, बेरोजगारी, ये आप जानते हो, दोहराने की जरूरत नहीं। मगर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बिना सबको लिए हर धर्म को, हर जात को, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को लेकर लिए बिना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नहीं चलाई जा सकती है। सीधी बात, आप जो करना चाहते हो करो। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नृत्य महोत्सव में डांस भी किया। बता दें, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसने अब अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का रूप ले लिया है। 3 दिवसीय इस नृत्य महोत्सव में देश के 25 राज्य और केंद्र शासित राज्यों के साथ ही 6 देशों के करीब 1350 से अधिक कलाकार अपनी जनजातीय कला संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। बता दें, इस महोत्सव में 39 जनजातीय प्रतिभागी दल 4 विभिन्न विधाओं में 43 से अधिक अपनी नृत्य शैलियों का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव में भारतीय राज्यों के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, युगांडा, बेलारूस और मालदीव के कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। अगली खबर हरियाणा से, जहां करनाल के झंझाड़ी गांव में अज्ञात हमलावरों ने करियाना